की संध्या 8:14 पर भारतीय समय के अनुसार आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं बहुत क्षमा याची हूँ कि जो लीडर होता है उसी की जिम्मेवारी होती है हर चीज की। अगर उसकी टीम में कोई त्रुटि हो, उसकी टीम से कोई गलती हो, तो उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर चीज की, और ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ही उत्तरदायित्व है जिसको मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ, क्योंकि मुझे इसको गहराई से डिटेल में देखना चाहिए और हर चीज़ को पूरी चीज़ को गहराई में देखकर ही आपको समझ आती है। क्योंकि यहाँ क्रिएटिव पर समय 8 बजे का लिखा है, लेकिन जो पूरे हफ्ते का चार्ट है उसमें समय 8:15 का है। तो मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ जिन लोगों को इंतज़ार करना पड़ा और वेट करना पड़ा। इस कार्यक्रम का समय 8:15 रहेगा, तो आगे से इसमें गलती नहीं होगी। और आज का जो कार्यक्रम है उसमें डॉक्टर अरुण मेहरा जी, जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी हैं पंचनाद रिसर्च इंस्टीट्यूट के, अ कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ प्रज्ञा प्रवाह, और इनका बहुत कार्य है, बहुत संशोध, बहुत कार्य किया इन्होंने रिसर्च विद रिगार्ड टू लाला जी के बारे में। और ये इन्हें पंजाब केसरी नहीं, इन्हें बेसिकली पूरे पूरे भारत का ही एक केसरी समझते हैं, क्योंकि इनका योगदान इतना बड़ा है। और जितना मैं गहराई में पढ़ रहा हूँ और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पता लगता है कि महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी का कितना बड़ा योगदान है। तो आज हमारी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं, आज 8वां भाग है। और जो फेमिन था भारत में ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, और उसमें जेनोसाइड और कन्वर्जन्स क्या था, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। सैटरडे 27 मार्च को आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जो लोग जुड़ रहे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग अच्छे से सारी बातचीत को लेकर चलते हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत, और हम अपने चेंबर की तरफ से प्रयास है। अब ये देखिए, अगर आप इस कार्यक्रम की डिटेल देखते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 8:15 से 8:45 तक का समय यहाँ पर महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी का दिया गया है, और क्रिएटिव के ऊपर जो टाइम दिया गया वो 8 बजे का। तो ये त्रुटि रही हमारी तरफ से, जिसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपको किसी को भी मेरी वजह से असुविधा हुई हो, तो उसके लिए मैं माफी का पात्र हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हुए ये बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम हर शनिवार शाम को 8:15। आप देखिए, हम पूरे अपने जितने भी भारतीय बाहर गए हैं उनकी सुविधा को मद्देनजर रखते हुए हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमको लिखा कि हम ईस्ट कोस्ट पे हैं, कुछ ने लिखा हम वेस्ट कोस्ट पर हैं, और टाइम डिफरेंस 3 घंटे का है, तो हमें बहुत मुश्किल होती है। तो इस समय अगर सुबह के 6:15 हैं कहीं पर अमेरिका में, तो कहीं पर इसके बाद के 9:30 भी बजे हैं, तो 3-3.5 घंटे का एक ही देश के अंदर इतना समय का अंतर है। वैसे ही कैनेडा के अंदर भी डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, तो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट को हम लेके चलते हैं, आप सबको साथ लेकर चलेंगे। एक्सक्यूज मी। तो आज आइए, हमने ये यात्रा अपनी जो शुरू की थी, अगर आपको ध्यान हो तो हमने लाला जी के जन्मदिन पर उनकी जो जयंती थी, विनम्र भाव से हमने 28 जनवरी 2021 को पहला कार्यक्रम किया था। उसके बाद हम डॉक्टर अरुण मेहरा जी के साथ 28 जनवरी को आगे बढ़े थे, और हमने कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एजुकेशन की बातचीत की थी। उसके बाद हमने अर्ली लाइफ और उनकी जो टाइम लाला जी का रहा उसके बारे में पूरा विचार किया था 14 फरवरी को। उसके बाद हम 21 फरवरी को आए थे, जहां पर स्वदेशी और पंजाब नेशनल बैंक और लाला लाजपत राय जी के विजन के बारे में बातचीत हुई थी। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी पंजाब नेशनल बैंक के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत स्वागत। उसके बाद हम 28 फरवरी को आए, और वहां पर अरुण जी ने लाला लाजपत राय जी के
जो फाउंडर ऑफ INTUC वॉरियर ऑफ द वर्कर्स राइट की बातचीत की थी। उसके बाद हम आगे आए थे तो स्वदेशी कैसे, उसके बारे में लाला जी का प्रयास था। उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट के राइट्स के बारे में बातचीत था। उसके बाद चैलेंजिंग जो टर्न कोट्स था ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बारे में बातचीत थी। और उसके बाद आज हम बातचीत करने जा रहे हैं फेमिन्स इन ब्रिटिश इंडिया, जेनोसाइड एंड कन्वर्शंस। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अरुण गुप्ता जी का। और हमारे चेंबर की यह सोच है, व्हाट्स एवर ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। आइए इस यात्रा में आगे चलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और मैं डॉक्टर अरुण मेहरा जी से निवेदन करूंगा कि वो अब संबोधन करें। धन्यवाद गुलशन जी और सभी श्रोतागण। लाला लाजपत राय जी के व्यक्तित्व के अलग अलग जो आयाम है उन्हें चर्चा करते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं तो मैंने जब इस पे आज के विषय का अध्ययन करना शुरू किया तो मेरा फोकस पहले सिर्फ था कि लाला लाजपत राय जी का जो फेमिन और नेचुरल कैलामिटीज है उनमें क्या रोल है। बड़ा सशक्त उनका रोल था, परंतु जैसा कि आप जानते ही हैं किसी भी व्यक्तित्व पे एक जनरल बात करनी बड़ी आसान है, परंतु हम जब किसी एक विशेष आस्पेक्ट विषय को लेके बात करते हैं तो उस पे एक गहराई से रिसर्च करनी पड़ती है, उस पे काफी दिन लगते हैं और मुझे भी कुछ बहुत कुछ नया देखने को मिलता है। इस विषय पर जब मैंने आगे अध्ययन किया तो मैंने देखा कि ये तो बहुत गंभीर विषय है और जो हमारे भारत में नैरेटिव क्रिएट किए गए हैं कॉलोनियल पावर्स द्वारा वो बिल्कुल गलत है और हमें उन्हें नैरेटिव्स को ठीक ढंग से देखना है और समझना है, तभी हम जो है अपने इतिहास से सबक लेके जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं जब भी आती है बात के हमारे बहुत से हमलावर आए, उन्होंने बहुत सारा अत्याचार किए, तो जो मुगल्स और इस्लामिक इन्वेडर्स आए उनके बारे में हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा क्रूरता से उन्होंने भारत में जो है सारा अपना काम किया। परंतु जो मैं और इसके साथ ही जो नैरेटिव है कि अंग्रेज लोग जो बहुत अच्छे थे उन्होंने भारत में बड़ी भलाई के लिए काम किया। जब मैं छोटा था मुझे भी यही इतिहास पढ़ाया जाता था कि कैसे अलग अलग वायसराय जो है उन्होंने भारत में कितने सुधार किए हैं, कितने रिफॉर्म्स किए हैं, कितनी रेलें चलाई हैं, वगैरह 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 वगैरह। परंतु आज जब मैं ये फेमिन्स के विषय पे बात कर रहा था कि जिस तरह से ये जो हमारे देश में फेमिन्स लगातार ब्रिटिश पीरियड में आए हैं वो फेमिन्स नहीं थे, वो मैन मेड फेमिन्स थे और अंग्रेज जो है उनका एक बहुत बड़ा रोल था, षड्यंत्र था और उसके अधीन जो उनका इम्पैक्ट है उसके कारण मैं इसको और उनकी जो मंशा थी मैं इसको नेचुरल क्लाइमेटी नहीं मानता, मैं इसको जेनोसाइड मानता हूँ। यूनाइटेड नेशन की जो क्लॉज है उसके मुताबिक मैं समझता हूँ ये यूनाइटेड ये जो फेमिन्स के बारे में जो अंग्रेजों की अप्रोच रही है कॉलोनियल रूलर्स के एरिया में दैट इज फिट टू बी कॉल्ड एज द जेनोसाइड ऑफ द भारतीयस। इसलिए क्योंकि ये मैंने जो अध्ययन किया और ये पाया, आज का जो विषय है उसमें मैं दो अलग अलग संदर्भ लेना चाहता हूं। पहला के फेमिन रिलेटेड जेनोसाइड्स ऑफ भारतीयस बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स और दूसरा है लाला लाजपत राय जी ने इसको कैसे एड्रेस किया। लाला लाजपत राय बहुत बाद में इस पिक्चर में आते हैं, वेरी लेट 90s, पर पहले के लगभग 150 साल से ऊपर जब हम देखते हैं तो उसमें जो फेमिन्स में अंग्रेजों ने फ्री हैंड किया एंड देयर वाज नो पर्सनैलिटी टू स्टडी इट टू काउंटर इट एंड गेट फॉर द फैमिलीज
And I find Lala Lajpat Rai was the, perhaps the first person who went all out for the creating the self-help groups and fighting for this for the sake of the Bharatis and why he was concerned about it. और अब मुख्य विषय पर आता हूं कि फैमिन्स इन इंडिया. गुलशन जी ने कहा कि भारत में फैमिन, ये फैमिन नहीं, फैमिन्स है सर. और जो मैं देखता हूं कि कॉलोनियल पीरियड जो 200 साल का रहा, उसमें भारत में कितने फैमिन्स आए, अकाल पड़े. यदि मैं संक्षेप में उसकी चर्चा करूं, आज मैं शायद थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लूं, माफी चाहता हूं. 1769 में ग्रेट बंगाल फैमिन हुआ, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग मर गए. 1783 में चालीसा फैमिन हुआ, 1,10,00,000 लोग मरे. 1791 में स्कल और दूजी बार फैमिन हुआ, 1,10,00,000 भारतीय मर गए. 1837-38 में आगरा फैमिन हुआ, 8,00,000 भारतीय जो है मरे. 1860-61 में अपर दुआब फैमिन हुआ, 20,00,000 भारतीय जो है दे वर स्टार्व टू डेथ. 1865 में उड़ीसा में फैमिन हुआ, 40-50,00,000 भारतीय वर यू कैन से स्टार्व टू डेथ. 1873-74 में बिहार में फैमिन हुआ, 60,00,000 से 1 करोड़ जो है भारतीय देवर पेरिश्ड. 1896-97 में राजपूताना और सेंट्रल इंडिया में फैमिन हुआ, 1,20,00,000 से लेके 1,60,00,000 तक भारतीय देवर पेरिश्ड. एंड लेटेस्ट 1943-84 में बंगाल में फैमिन हुआ, अगेन 60,00,000-30,00,000 भारतीय पेरिश्ड, स्टार्व टू डेथ. यानी कि 1769-70 में जो सबसे पहला ग्रेट बंगाल फैमिन जिसको कहते हैं, उसमें इतना भयंकर उसके इम्प्लीकेशन थे कि 1/4 ऑफ द टोटल बंगाली पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट. इट वाज ऑल ड्यूरिंग द कॉलोनियल ब्रिटिश रूलर्स. सिमिलरली 1866 में उड़ीसा का फैमिन हुआ, तो 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द उड़ीसा वाज वाइप्ड आउट बिकॉज ऑफ दिस फैमिन. और ये जो एक आंकड़े मैं देख रहा हूं, टोटल इन फैमिन में लगभग 85 मिलियन ऑफ भारतीय वर स्टार्व टू डेथ. जस्ट इमेजिन. और 85 मिलियन भारतीय स्टार्व, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल ब्रिटिश सोर्सेज है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू अनदर एस्टिमेट, टोटल जेनोसाइड एंड मास मर्डर्स ऑफ भारतीय ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ 200 ईयर्स, हु वर स्टार्व टू डेथ, who were brutally murdered, who were executed as the freedom fighters and exploited by the British colonial rulers, the total goes to 1.8 billion people. So this is the correct, you can say, this figure which has made me to rethink and regenerate that it is not the famines, it is not the Englishmen who are working for the welfare of the Indian, but they are using all the measures to, you can say, subjugate the colonial people. Or this famines are genocide of the Bharatis, or these famines are British made or man made. Because famines, their impact can be minimized, their impact can be aggravated. I will tell you, फैमिन, व्हाट इज अ फैमिन. फैमिन जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस, ज्योग्राफी बोलने वाले कहते हैं कि ENSO यानी कि एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन का इफेक्ट है जो रेगुलरली होता है. उससे फेलियर ऑफ मैग्नम मानसून होता है इधर, और एक्सट्रीम वेदर होता है. इससे स्केर्सिटी ऑफ वाटर हो जाती है हमारे इधर, क्रॉप फेलियर हो जाती है. और जब क्रॉप फेलियर हो जाती है तो ड्रॉट है. ये सब जो साइंस है, ये क्लियर कट पॉइंटर है कि हमारे इधर फैमिन होने वाला है. और जब क्लियर कट ये पॉइंटर है कि ये फैमिन जो है आने वाले हैं, तो फैमिन से होने वाली जो रिजल्टेंट डेथ है, बाय टाइमली एक्शन एंड गवर्नमेंट करेक्ट पॉलिसीज, दे कैन बी मिनिमाइज्ड. एंड इन अवर इन द पास्ट बिफोर द कॉलोनियल पीरियड, देयर हैव बीन टेकन द स्टेप्स by the Rajas and even the Mughals to minimize the effect of the famine. For example,
वो अपने खाद्यान्न भंडार खोल देते, वो भूमि कर माफ कर देते थे, वो सैनिकों की तनख्वाह में वृद्धि कर देते थे, एडवांस दे देते थे, वो इन समय में किले, नहरों, तालाबों, कुओं आदि का निर्माण शुरू कर देते थे ताकि लोगों की आय बनी रहे, और खाद्यान्नों को राज्य से बाहर भेजने पर प्रतिबंध लगा देते थे और मंगवाने की व्यवस्था भी बनाते थे। पेशवा स्वाई माधोपुर माधोराव सिंधिया जो है सेकंड, उन्होंने ऐसे बहुत काम किए, अन्य शासकों ने भी किए। और इसी तरह हम देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी हमारे बिहार में अकाल पड़ा 1966 में भयंकर, कोई फैमिन रिलेटेड डेथ नहीं हुई। इसी तरह 1970 और 73 से महाराष्ट्र में फैमिन हुआ तो कोई ऐसी डेथ नहीं हुई। यानी कि प्री कॉलोनियल पीरियड और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, इसमें फैमिन रिलेटेड डेथ नहीं है, तो व्हाई इट इज ओनली ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड दैट the crores of the Hindustanis they perished because of the starvation and the death. That is the allegation, not allegation, charge against the Britishers that it is the genocide of the Bhartiyas. Now, why Bhartiyas ka ye genocide kyun hai? This is, I think, it is the ideological framework. And what is the ideological framework? In behind every genocide, we find that there is an ideology. German Nazi, they found that we are superior in race. So, millions were murdered. Portuguese in India, in Goa Hindu, massacred Hindus because they thought that we are the Christian, it is our sacred duty. Islamic fundamentalists who think that these are the kafir non-believers, so we have to kill them. Similarly, British colonial rulers, their ideology was racial superiority and Christianity. These were the driving force before the genocide of the Bhartis, and famine was used by the Britishers as a tool to meet their objectives. British rulers completely devoid of any feelings towards starving or dying Hindus or Indians or Bhartis, because they did not consider the Bhartis as the human beings. How it come? There are I have two points to make over here. Okay, first of all, their term, the heathen Hindus. Heathen means barbaric person, uncivilized. The first step to portray the Hindus as heathens or Bhartis as the Hindus was the dehumanizing, that they do not deserve this right. They can perish. Or even the Christian missionaries, they at that time they used to say it is the divine duty of British rulers to liberate Bhartis from being heathen. It can be if they embrace Christianity, otherwise value of life Bharti is of no value. For it, Christian missionaries had active support of the British colonial rulers. So it was the primary level propaganda and ideology which was fed to the not only the Christian missionaries, all the English officers which came to India, they were taught and fed that the Bhartis are inferior, barbaric, uncivilized. So this was not among the general public over there that we have come to, help them. It was fed to all British employees of the East India Company, British administrator, etc., were doctrined at the church before they came over here. And we find that even in 1920, Catherine Mayo wrote a book, Mother India, by the support of the Britishers, where she tried to portray all the Indians as the heathen Hindus, uncivilized, barbaric. That was in late 1928. Lala Lajpat Rai gave befitting reply to it by factual denying it, contradicting it, and publishing a book called titled Unhappy India. Anyhow, what we find over there is this is the first thing that they portrayed Hindus or the Bhartis as the heathens, that these people are uncivilized and do not have that the right to be called the human beings. And when the British officials were taught like this, they thought like this when they came to India over there. The another important aspect was
there was a professor, Thomas Robert Malthus. He gave the theory of population explosion and fed them among the British in the 18th and 19th century. He was a professor at the East India College in England. He was a member of Christian Clergy also. The college was center where white British Christians laid out plans for the conquest and dissemination of India. All crazy economic and social engineering theories which led to the genocide were taught over there. Many British viceroys, governors, and officials were product of this school. Now, and they were responsible for the genocide. What they are being taught? That population growth is bad because resources would no longer be enough to support it. This is the main principle of the theory. Again, they add that famine, hunger, starvation, disease, war are all positive checks which control the population within limits. And in this Asian and African countries, the brown Indians, black Africans, and yellow Chinese, they are the cause of it. And they, if they die like cats and dogs, you need not worry about it. It is the natural phenomena and it is a natural check on the population growth. They saw famine deaths as positive check on the Bharatis. And to quote Viceroy Lord Ripon, he says, if famine mortality in 1879 is to be tested, 80% of were laborers, 20% were cultivators. Although they died more rapidly than others, now, just look at this statement. Still, they produce themselves with sufficient rapidity to overcrowd. So, unka marna jaiz hai, kyunki wo bahut jaldi hi sankhya mein badh jate hai. This was the school of thought over there, which was, you can say, indoctrinated to the British officers. And because of this, we find that famines were seen and treated by the Britishers something not unnatural. They supported it, and I call it genocide. There was deliberate delay and inaction on the part of British officers. For example, when Bengal famine in 1770 occurred, then British Secretary of State was Lord Salisbury. For first 2 months, when 10 lakh people were starved to death, he did not move. He did not do anything. After 10 lakh people have starved to death, then he took some actions. British policies were to facilitate the deaths of the, you can say, this the famine due to. And their policies were export of the food grains during the this famine time. In 1876-79, we find 1 billion ton of rice was being exported out of India when people are, dying of starvation. Similarly, the effort of these British was to save the expenditure rather than to save the Bharatis from death due to starvation. Lord Lytton, the viceroy at that time, adopted the policy to block any help to Bharti dying of this. He believed that only surplus Bhartis are being killed off by the famine. The same school of thought. And he deputed Sir Richard Temple to make sure that no unnecessary expenditure was done on relief during this famines. So, after that, whatever the relief camps were made, no sufficient supplies were there. They were hell holes like the Nazi concentration camps, I will call, and reports bilkul iske parallel chalte hain. And such were the horrible scenes. I quote from a newspaper, sankro lashe kuo mein fen di gayi, kyunki bahut zyada thi, rishtedaron ke paas paise nahi the ki inke antim sanskar kar sake. माताओं ने अपने बच्चे बेच दिए, पतियों ने अपनी पत्नियों की दुर्दशा ना देखते हुए उन्हें खुद अपने हाथों से मार दिया। और
इस कदर एक इंग्लिश मैन कोट करते हैं अपनी किताब में माइक डेविस के, यदि भूख से किसी ने चोरी कर ली किसी खेत में से तो अंग्रेजों की हदायत थी कि उसका नाक काट दिया जाए. सो फॉर देम दे भारतीय एक्ट ड्यूरिंग द फैमिन टाइम्स वर नॉट ह्यूमन बीइंग्स. लॉर्ड लिटन व्हेन 1 lakh भारतीय वर डाइंग ऑफ स्टार्वेशन इन इंडिया he was running a grand darbar in honor of queen victoria at calcutta. aur iske sath hi hum dekhte hain ki jab 1898 ke kareeb aur 1942 ke kareeb jab famine hote hain to angrez bharti kosh ke famine ki kharch karne ki bajaye apne afghan yuddhon pe kharch karte hain. so this was the british policy and again they believed in laissez-faire policy ke we are not to interfere during relief. price control kuch nahi karna hai, it is free for everything, whatever is there go for it. kisano ko khadyan padarthon se roka gaya aur cash crops ugai gayi. ab cash crops kyon ugai gayi, kyunki manchester ke chamber of commerce jo hai they dictated and controlled the growth of cash crops in india. aur जबरदस्ती लगान वसूल किया गया, किसानों से लगान माफ करने की बजाय बढ़ाया गया और नेट कलेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी सी जो है 1768 में जितनी थी फैमिन के बाद 1771 में और भी बढ़ गई. इतनी निर्दयता और क्रूरता से उन्होंने फैमिन के दौरान काम किया, उसका कारण है कि लोग अकाल से मर गए, भूख से मर गए और उसके लिए जिम्मेवार थे ये अंग्रेज जिन्होंने ऐसी नीतियां बनाई. और स्वाभाविक तौर पे हम देखते हैं कि इट इज व्हेन इट इज मैन मेड एंड इट इज डेलिब्रेटेड इट कैन इट शुड बी कॉल्ड जेनोसाइड, इट इज नॉट द समथिंग नेचुरल. और आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स ओवर हियर. और अनदर पॉइंट आई विल मेक ओवर हियर इज के ब्रिटिश ऑफिसर क्या कहते हैं, फैमिन इज ए सैल्यूटरी क्योर टू द ओवर पॉपुलेशन. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच हैज बीन इग्नोर्ड, आई थिंक इन द पोस्ट 1857 द ब्रिटिशर्स यूज्ड फैमिन एज ए टूल फॉर जेनोसाइड ऑफ इंडियंस टू टेक रिवेंज ऑफ द 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम. फॉर एग्जाम्पल मराठा में जब क्या नाम है फैमिन हुए 1857 के बाद, तो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने देखा तांता टोपे नाना साहब पेशवर लक्ष्मी भाई ये सब मराठास दे आर द बैकबोन. सो दे यूज्ड ऑल मींस टू टीच द लेसन एंड देयर वर लाख्स ऑफ पीपल who were starved to death. similarly UP and North India 1860 mein akal pada to wo unka manna tha, this was the center of revolt or freedom war of freedom struggle. so they used all their forces over there to exaggerate the famine. similarly Bengal presidency 1942-84 mein. aur the another important we'll find that ke during this period 1871 jaise 1921 tak kitne famines hue ke average life expectancy jo hai indians ki bhartiya ki wo 1871 mein 24.6 hai jo har saal har census mein girti ja rahi hai aur 1921 mein jaake 20.1 pe ruk jati hai. ab average life expectancy jab 20.1 hai you can well imagine ke ye britishers ka kya role hai. clearly this is genocide on their part and there are no two opinions about it. this is the first part where I find I wanted to express that the Britishers were you can say cruel to the extent that they were no different from the Nazis of the Germany when they their policies and during the famines. now I turn to the second aspect
that are the Christian missionaries and religious conversion. Apart from economic plunder, loot, genocide, the famine period was a harvest period for the Christian missionaries. In the grab of humanitarian service, their real objective is real religious conversion. These missionaries, they thrive on suffering, misery, and distress of the people even today. Their chief objective is to harvesting the soul. Conversions as many people they can. Krishna missionaries are motivated by the prime promise that capturing maximum number of souls before they depart this world. And so every famine or disaster in Bharat was perceived as a God-sent opportunity by these missionaries to convert lakhs of starved Bharatis, providing a saving food loaf, food grains. And these were supported not only by Indian government, I will call Christian the British colonial government, but foreign funds were also received. The Christian Herald says that in 1897, over $1 lakh was sent to Christian missionaries as a first installment for this purpose. There was complete synergy between colonial rulers and Christian missionaries. On one hand, these colonial rulers, they are discouraging relief work on the government side, and on the other hand, they are giving free hand to the Christian missionaries only to facilitate conversions. Or we see that large-scale religious conversions by the Christian missionaries in India coincide with the occurrence of the famine. Taking census data from 1871 to 1920 for 50 years, what we find is that this was the period of major famine. And during this period, the Christian population, which was 0.35% of the Indian population in 1871, rose to the 1.45% of Indian population after 50 years. While overall Indian growth rate of the population was zero or negative, only Christian population increased. It clearly reflects that this number swelled because of the religious conversion during the famine period. So British colonial rulers, they used this period hand in glove with the British missionaries to convert the starving Bharatis, मजबूरी में कि उनका धर्म परिवर्तन किया जाए, क्योंकि उस समय लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, either death or loaf of the bread. Here the Tenevali Church of the South India, what they say, hundreds were starved from starvation and death. In a few months, 30,000 Shanans were converted to Christianity. They are patting their back. के जब people they were dying of hunger, we were able to convert 30,000. Similarly, Bishop Cornwell, he says, while Hinduism had left the famine stricken to die, Christianity had stepped in like an angel from heaven with its sympathy to clear them with a plate or full of a bowl full of food. So food was being used to convert the people. Similarly, another convert, Ramabai, Maharashtrian, she prayed to God that there should be famines and there should be more and more widows so that I am able to convert them to Christianity. And when there are famines, she openly thanks that that Jesus Christ has sent us the opportunity to fulfill the objective. So this was the scenario. And this period, 1897, around that, we see that Lala Lajpat Rai comes into scene. He is only 30, but he is concerned about it. Lala Lajpat Rai took so many steps I will discuss over here. But first of all, what is his perception? And he
takes the Hindus and the Hindu community also to the task. He does not blame to the government and this missionaries. He says they are doing very bad work, but where are we? So he says, a nation which cannot protect its orphans and waifs, which cannot feed them from going begging, which lets them fall into the hands of antagonists, allows its orphans to be carried away by the outsiders, can have no claim to command respect. So it is a matter of shame. Not less than 25 lakh natives should have embraced Christianity in Bharat. Moreover, he says, not less than 1/4 of this number fell into the internet connection. And yes, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब था जी, प्लीज गो अहेड. Yes. Now, what we find is, he reports that in Jabalpur district, Jabalpur and Chadwada, over there, missionaries are collecting children. At Ajmer, sale of children are actually taking place at the rate of 50 to 40 rupees per head. Terrible is the famine. Husbands are selling their wives, parents, their sons and girls, infant children, sisters and wives are deserted and sold. So, while all this is happening, because of the British policies, the exploitation, the economic exploitation, which has led to this sorry state of affairs in India. And with again, he says that in Rajputana alone, Hindus lost 70,000 of their unfortunate children who are collected by Christian missionaries of various denominations. And our RSMH took charge and have brought 1,000 to Punjab. Now, Lala Lajpat Rai, as I have said in earlier talks also, he is not sitting alone. He goes ahead and whatever he can contribute, he practically does that. And for that matter, what we find is that Lala Lajpat Rai motivates people. He sends workers to famine affected areas, and these workers study over there. They bring orphans and other children to Punjab. Here, Lala Lajpat Rai in Punjab appeals to Hindus to adopt these children and become the guardians. He appeals for raising funds for these orphans. He actually sets up orphanages. And we find that in 1880, first orphanage is set by Lala Lajpat Rai, and he is the general secretary of this orphanage. This is the biggest orphanage at that time. In 1897, he sets up orphanage at Amritsar. In 1897, at Lahore, and 1899 at Hisar. And not only this, he found Hindu Orphanage Relief Association also. He appealed to press to develop favorable public opinion about the people about this. And he also tries to arrange jobs for the orphans. For example, Dariz and Nawab making at Hisar and carpet making at Amritsar. So to have them self-sustained, he arranges marriages for the young girls who are there in the orphanages. And for the most important work, for which I had focused on this topic today, was Lala Lajpat Rai's case with the Famine Commission of India, and he won this case. This is the very important aspect which has been, you can say, not taken into account by many of the readers. The Famine Commission of India was appointed in 1901 to inquire into the administration of famine relief during the year 1890. Here, Lala Lajpat Rai appeared before the commission, and he pointed all the irregularities of the Christian missionaries and the government, which were hand and glove with each other. For
responsible for the religious coercion in India. And इतने लाजवाब उन्होंने facts and figures से arguments दिए कि ultimately famine commission of India जो है उसने अपनी recommendation जो दी, they were definitely a serious check on the Christian missionaries and the Christian missionaries became sword as drawn enemy of Lala Lajpat Rai because of it. Lala Lajpat Rai said that no waves and trays should be collected by the non-official agencies. Complete register to be maintained from where these children were obtained and where they are taken to. Because Christian missionaries kya karte the? Jaise unhone Rajasthan se bachche uthaye orphans, to unko jaake dur south mein le gaye taki disconnect ho jaye families se and they are untraceable and they are permanent asset to the Christian missionaries at Christian. उन्होंने कहा रजिस्टर मेंटेन करो और उनका कहां गए हैं बताओ और रेगुलर चेकिंग रहे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को चेक कर सके. ये रजिस्टर जो है हर महीने जो है वो आगे ऑफिशियल्स को चेक करवाना पड़ेगा. और लाला लाजपत सेड के देयर आर नंबर ऑफ वुमेन हु आर बीइंग अब्यूज्ड एंड सोल्ड. क्रिश्चियन मिशनरीज आर कलेक्टिंग ऑर्फन्स एंड मूविंग देम डिस्टेंट प्लेसेस. In Rajputana alone, 70,000 people, orphans they have gone for. Aur isliye ye jo Lala Lajpat Rai ke views hai, usse Famine Commission of India jo hai, unke sab aspects ke discuss karne baad, agreed with the views and the Famine Commission of India recommended that deserted children and orphans should not be made over to persons or institution of a different religion until all efforts to find persons and institution of their own religion willing to take charge of them have failed. Meaning thereby, on the orphans because of the famines, the first right to adopt was will be of the co-religionists. Hindus jo hain unpe first right Hindu ka hoga, Musalman hai to unko first right Musalman ka hoga. They cannot be taken by the Christian missionaries and this dirty work must be, you can say, put to an end. Or, iske saath hi unhone kya kaha ki no unclaimed child will be removed from the district in which it is found until a period of 3 months have passed after the close of relief operations in that district. There will be free access to orphanages by the parents and relatives of these children. So all these buyers which Famine Commission of India after Lala Lajpat Rai argued and got it done that put a full stop to the you can say inhuman activities and of the British officials and the Christian missionaries. So I conclude over here. And definitely, I think this is a sufficient factual data and the arguments to express that the British rule, British Raj was definitely acting during famine period to suppress the Indians. They did not take Indians and human beings. It was a genocide. And there was a deliberate attempt for religious conversion and all for all these matters to crush the rebels. Famine was used as a tool apart from other things. So thank you so much. Thank you very much. Namaskar. धन्यवाद आपका बहुत बहुत डॉक्टर अरुण मेहरा जी. आज आपने इतने डिटेल में इतने विस्तार में इतनी सारी चीजों को बताया. कई बार हमें समझ ही नहीं आती थी कि भारत में भुखमरी कैसे हुई, भारत में लोग कैसे मरे और कितने करोड़ों की मतलब हजारों लाखों की तादाद में अलग अलग जगहों पर और किस तरीके से अंग्रेजों ने वो फैमिन क्रिएट किया. ये आपने जो आज नैरेटिव पूरा डिटेल में बताया है, इससे इतिहास के पन्नों में पीछे लौटकर वो बाबरता और वो क्रूरता और वो सब चीज नजर आती है कि इंसानियत के नाम पर कितना बड़ा धोखा था इंसानों के साथ.
इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम ये लाला लाजपत राय जी का एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले शनिवार 8:15 बजे, 8:15 होता है 8:15 पर, अंग्रेजी में बोलते हैं 8:15 PM। जो मेरी टीम के मेंबर सुन रहे हैं, आप भी क्षमा नहीं दिए जाएंगे नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसी गलती करेंगे। अगर 8:15 का समय है तो हर जगह 8:15 लिखिए, ताकि लोग पहले से ना आए, लोगों को तकलीफ ना हो, हर जन सुविधा के लिए काम करे। और जब आप ध्यान से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये लाला लाजपत राय जी की सीरीज में हम आगे अगले सप्ताह चलेंगे। डॉक्टर अरुण मेहरा जी अपना अगला पड़ाव, अगला एपिसोड हमारे साथ लेकर आएंगे। अगले शनिवार को रात्रि 8:15 बजे हम आपसे फिर भेंट करेंगे। अभी हालांकि एक बहुत ही अलग माहौल में डॉक्टर अरुण मेहरा जी हमको लेकर गए, उस माहौल से मानसिक रूप से थोड़ा निकलने की कोशिश करते हैं। और मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करूंगा कि भारत में केस बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, देखिए भारत की शान आन बान सब कुछ हमारे हाथों में है। अगर सरकार कहती है कि कुछ नियमों के पालन कीजिए, कुछ प्रिकॉशंस लीजिए, तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्र भाव से हम ये कहना चाहेंगे, प्रिकॉशंस लीजिए, अपना ध्यान रखिए, औरों का भी ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। और साथ ही में होली का त्योहार है, होली की अपनी महत्ता है, और हमारे संस्कारों में और हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में होली की अपनी एक परंपरा है। लेकिन इस बार सिर्फ डिजिटल होली रखिए, और अपने ही घर से डिजिटल वे में एक दूसरे की अच्छी स्वास्थ्य की कामना करते हुए अच्छी शुभकामनाएं भेजिए। इन्हीं भावनाओं के साथ हम डॉक्टर अरुण मेहरा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, और अगले शनिवार रात्रि के 8:15 का हम बेकरारी से इंतजार करेंगे। आप इतनी गहराई में जाते हैं और इतना अध्ययन करके आते हैं, इतनी तैयारी करके आते हैं कि शायद हमारे शब्द थोड़े पड़ेंगे आपके सम्मान में। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, आप सभी को शुभ रात्रि, और अगले शनिवार फिर दोबारा आप लोगों से पुनः भेंट होगी हमारे अगले एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार। गुलशन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। आखिर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये नहीं भूलना कि 1.8 बिलियन पीपल वर स्टार्व्ड, ब्रूटली मर्डर्ड, एग्जीक्यूटेड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय दीज ब्रिटिशर्स। वो आज भी यही प्रोपेगंडा करते हैं कि देखो जी भारत। आपका इंटरनेट कनेक्शन चला गया डॉक्टर अरुण मेहरा जी, आपका इंटरनेट कनेक्शन चला गया था। नहीं, अब बोलिए, अब बोलिए, अब बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, मैंने सिर्फ दो लाइनें कहनी है। आपका 1.8 बिलियन स्टाफ तक तो आ गया था, उसके बाद नेट चला गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आप सबसे प्रार्थना है कि हमें ये नहीं भूलना है कि ये अंग्रेज उपनिवेशक जो शासक रहे हैं, उन्होंने 1.8 बिलियन भारतीयों को दे हैव स्टार्व्ड टू डेथ, ब्रूटली मर्डर्ड, एग्जीक्यूटेड, हैंग्ड, शॉट डेड लाइक एनीथिंग। ये जो जेनोसाइड जो जो उन्होंने हमारे क्रूरता की है, उसको याद रखना है। और ये उनकी सोच आज भी उनके दिमाग में है, वाइट सुपीरियरिटी की। इसी कारण वो आज भी कहते हैं भारत में इतने लोग गरीब है जी, इतने ये है जी, वो है जी, टू पोर्ट्रेट एक टोटल नेगेटिव एंड ब्लैक पिक्चर। हमें उसको काउंटर करना है, एंड वी आर प्राउड ऑफ दी अवर गवर्नमेंट्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एंड इन टुडे दैट दे आर टेकिंग इंडिया टू ए रेस्पेक्टेबल पोजीशन, एस्पेशली इन द कोविड पीरियड। जब हम देखते हैं कि ये जो क्रिश्चियन यू कैन से कंट्रीज है, वो किसी को भी जो ये वैक्सीन देने के लिए रेडी नहीं है। भारत अपनी परंपरा के मुताबिक आज 70 देशों को ये दे चुका है,
And that is the humanitarian approach. That is the difference between the these Christian white people and we dark Indians. Thank you so much. मैं आपसे बहुत ही विनम्र भाव से फिर कहूंगा कि जैसे हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वही जो हमारा नारा है वसुधैव कुटुंबकम का, वो हमेशा रहेगा। और भारत अपनी परंपराओं पर हमेशा टिका है। हमारे वेदों से जो कुछ हमको मिला है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम है। और हम सब एकजुट होकर उनके एक वीर सेनानियों की तरह, एक वीर सिपाहियों की तरह हम सब लोग अपना योगदान दें। अगर हर भारतीय अपना काम ठीक से करेगा तो कोई वजह ही नहीं है कि भारत पुनः विश्व गुरु ना बने और आत्मनिर्भर ना बने। इन्हीं शब्दों के और उसका आज पहला स्टेप दुनिया भर में भारतीयों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है सर। बिल्कुल ठीक है सर, इसीलिए तो आपने देश देश में, विदेश में, हर जगह कोरोना की वैक्सीन पहुंचा दी है। और मैं तो आपके कार्यक्रम से पहला मेरा वाणिज्य का प्रोग्राम था, कॉमर्स और फाइनेंस का, और जो उन्होंने आज आंकड़े दिए हैं कि जिस प्रगति से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और विदेशों से पता लग रहा है कि भारत की जीडीपी जो आगे रफ्तार पकड़ने वाली है तो उसको कोई बुलेट ट्रेन भी नहीं पकड़ पाएगी, वो स्थिति आ रही है आगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको आने वाले होली के त्योहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं डॉक्टर अरुण मेहरा जी की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे सभी ICSI के समस्त परिवार की तरफ से, और डॉक्टर अरुण मेहरा जी के साथ जितने लोग जुड़े हैं उस परिवार की तरफ से हम सब लोग आपको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजते हैं। निवेदन एक ही है, प्रिकॉशन लेकर रखिए, बाहर ऐसे मत जाइए, और अगर आपने कोरोना की आने वाली वेव को कंट्रोल कर लिया तो हमने पुनः पूरे विश्व को बताना है कि भाई भारतीय बहुत मजबूत हैं और वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। शुभ रात्रि।